प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में लंपी महामारी इन दिनों चरम सीमा पर है। शहरों में ही नहीं बल्कि अब तो ग्रामीण इलाकों में भी लंपी बीमारी का असर देखे जाने लगा है। सबसे अधिक मात्रा में पशु बीमार हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों फरीदाबाद के आनंदपुर गांव में सैकड़ों की संख्या में पशु पहाड़ों पर पड़े हुए हैं, लंपी बीमारी से ग्रसित है। और ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि न तो उन्हें इलाज मिल पा रहा है और न ही कोई वैक्सीन मिल पाई है। ऐसे में हर दिन रोज पशुओं की हालत खराब हो रही है। सरकार को जल्द ही पशुओं की इस बीमारी को लेकर गंभीर होना चाहिए। ज्ञानवती जी, कौन सा गांव है ये, क्या समस्याएं बन रही हैं? ये अनंगपुर गांव है। इसमें समस्या ये बन रही है कि ढोरन के बहुत ज्यादा ये मातासी निकल रही है और लार थूक केरती है, दूध नहीं कटवाती है। हमारी गाय के थन देखो बिल्कुल ऐसे कटे हुए हैं। इसके दवा लगा के हमने ठीक करी, इसमें कोई डॉक्टर नहीं आता। अच्छा, अब इसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ठीक है, इसमें डॉक्टर ऐसा भेजो ना कोई जो इनकी वो करे। तो जाके देखो जंगल में कितनी गाय पड़ी है। सारी दोपहर घास लाते हैं, इन्हन को करते हैं, सेवा पानी करते हैं, बच्चे इनको जब आज से दूध तलक भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना चाहिए इसको? अब दूध नहीं हो पा रहा है, कैसे पी पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे, इनका कैसे खर्चा पानी हम अपना चलाते हैं? क्या कहेंगे सरकार से, प्रशासन से? यही कहना हमारे भाई, इन्हन को कुछ इलाज करने को भेजो, डॉक्टर भेजो, कुछ दवा गोली कुछ तो इन्हन को दे के जाना चाहिए या जगह पे। कितने लगभग जो है इस तरह के पशु होंगे जो बीमार हैं गांव में? पशु उनकी तो कोई वो ही नहीं है, बहुत पशु हैं इस गांव में, पशु उनकी कोई वो नहीं है। रोग बीमारी में चपेट, बहुत बीमारी चपेट मार है। और ये गौशाला खुल रही है उसमें जाके देखो कितनी गौशाला में मरी पड़ी होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा मरी पड़ी है। हमारे तो कहने का यही है कि डॉक्टर भेजो, उनको जल्दी जल्दी इनका इलाज करवाओ। ठीक है, थैंक यू। पशुओं की दिन ब दिन हालत खराब हो रही है। आपको बता दें कि लंपी बीमारी शहरों में फैल रही थी, जिसे लेकर फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी करते हुए बाहर से पशुओं की खरीद फरोख पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। एक बार नाम बता दो अपना। राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा गांव है ये और कैसे जो पशु है वो बीमार होते जा रहे हैं? ये गाँव अनंगपुर है जो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में आता है, भड़ाना साहब का। कैसे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे मरीज? यहाँ पशु जो बीमार हो रहे हैं, हम सुबह जंगल के लिए खोल देते हैं पहाड़ के लिए, पहाड़ में से वापस ही नहीं आते, वहीं लेट जाती हैं। अच्छा, इतनी समस्या क्या, क्या परेशानी बन रही है इनका? उनके बुखार होता है और मुंह से लार गिर रही है। अच्छा, माता दाने चौड़े चौड़े दाफर उनके माता निकल रही है। अच्छा, कोई इलाज मिल पा रहा है, कोई वैक्सीन नहीं? कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं मिला। कभी किसी डॉक्टर से संपर्क हुआ या किसी? नहीं, डॉक्टर से तो कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, कोई लोग पहुंचे हैं यहाँ वैक्सीनेशन लगाने के लिए, कोई सुझाव? नहीं नहीं, वैसे कोई नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? जयराम। जयराम जी, क्या कुछ फैल रही है बीमारी गांव में, कोई इलाज वगैरह मिल पा रहा है? कुछ नहीं पा रहा भाई। तुम आए इस टाइम, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, तुमने बहुत सेवा करी है हिंदुस्तान की, फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर। इलाज वगैरह के लिए किसी डॉक्टर कोई पहुंचा है गांव? नहीं 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 पहुंचा भाई। अच्छा, नहीं पहुंचा। आप आइयो। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है, माँ से निकट गई राड़ गेर से गौ माता, यहाँ तक खोद दे पहाड़ से नहीं आ रही गौ माता। ठीक, कितनी लगभग संख्या हो गई ऐसे मरीज जो गाय? कम से कम 1000-3000 गाय पड़ी है पहाड़ के अंदर। अच्छा अच्छा जी, कीड़ा पड़ रही है, माँ से निकट रही है, राड़ गेर रही है, वे दूध नहीं दे रही। बालक बैठ देखते हैं सुबह शाम, पापा गाय पावी पड़ी है पहाड़ के अंदर। अच्छा, दूध नहीं निकाल पाने की वजह से कहीं लगता है फिर आपके भी घर की स्थिति खराब? वे उनमें माँ से निकट रही थान में, माँ से निकट से बेर बेर दूध नहीं कटवाती। मरी तो जा रही है? नहीं, जेंडी नहीं लगाती। मरी भी हैं गाय? आएंगी, धनेडी आदमी में भी भाई बूझ लेखा ऐसी भी हैं। क्या कह रहे हैं? गाय कम से कम 50-40 गाय मेरे पास मर गई जो मर। अब दिखाऊं मैं तुम? अच्छा ठीक है, तो भाई तुम ही आयो इस सेवा में और फिर सेवा कोई नहीं आया। ठीक है, शुक्रिया। हिंदुस्तान के अब ये बीमारी फरीदाबाद में फैल चुकी है और अधिकतर ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी का असर देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को गंभीर होते हुए इस बीमारी को लेकर सख्ती बरतनी होगी, नहीं तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।